नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सटे हलचल। विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से भाजपा द्वारा चुनाव मैदान में उतारे प्रत्याशी डॉक्टर परमिंदर शर्मा ने आज अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर जिला भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कठपाल सहित पार्टी के कई नेता भी उपस्थित रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते क्या बोले डॉक्टर परमिंदर शर्मा, जी सुने। आज मेरे वास्ते बड़ा फख्र का दिन है कि मैं दूजी बार उम्मीदवार इतों थापिया गया पार्टी वालों। मेरी पार्टी दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है और मेरा नेता दुनिया का सब तो मजबूत नेता देश का प्रधानमंत्री है। अज बाइडन भी अमरीका का राष्ट्रपति उन्हों तो थले है। ये मेरे वास्ते फख्र की गल है कि श्री अनंतपुर साहब की पवित्र धरती की सेवा दे लई मेरी समुची टीम, जिथे सारे मेरे मंडल प्रधान, मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे जिला प्रधान अते मेरे प्रदेश दे प्रदेश प्रधान अते जेपी नड्डा साढ़े ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, सब दी कृपा हुई और उन्होंने मेरे ते द्वारा विश्वास प्रकट किया। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं असली धरती पुत्र हाँ और लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और होर साथ देंगे और मैनू इतों विजय श्री प्राप्त होगी। डॉक्टर मदन मोहन मित्तल जो पुराने बीजेपी के सी उन्होंने पार्टी छड़ी है, कि नुकसान जो पार्टी ने दिता? इस तरह जी, मित्तल साहब साढ़े बहुत ही सत्कारयोग नेता रहे, पार्टी तो बिना कुछ नहीं होंदा। मैं तो बड़ा हैरान होया कि जिस व्यक्ति ने पार्टी वास्ते बहुत मेहनत की होवे और पुत्र मोच ग्रस्त होके पार्टी नू तिलांजली दे रहे है और ना गल अकाली दल च बनी, घर भी छड़िया ते ना घर दे रहे ना घाट दे। सो हुण मेरे पुराने बुजुर्ग मेरे पुराने नेता अज पार्टी तो बिना जीरो है। तो कितना नुकसान होगा बीजेपी? बीजेपी नू फायदा ही होएगा, जो भीतरी घात होना था वो बच गया। तो तुसी हुण इलाके च घूम रहे हो, क्या तुसी मेरे नाल मेरे समूचे जिले दी और मेरे वास्ते खुशकिस्मती है कि मेरे जिले का जिला प्रधान, उन्हां दी समूची टीम, मोर्चे सब कुछ गठित है और मदन मोहन मित्तल दे नाल कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं गया। अज असी बीजेपी ऑफिस गुरु तेग बहादुर ITI विच सारा इकट्ठ होया पिया। मैं सारे साथियों नूं बेनती करदा कि उत्थे भी जरूर देखण कि लोगों च किन्ना उत्साह है और जो लोग मित्तल साहब समझते सी मेरी जेब च है वो कमल दे फुल दे नाल अज खड़े। किन्ने कु उम्मीदां नौजवानां नूं उत्थों लई जा सकदी? मैं बड़े विश्वास नाल कह सकदा कि ये खालसे दी पवित्र धरती है और पार्टी ने मैनूं सेवा दे वास्ते मौका दिता है। मैं सब तो पहले इत्थे इंडस्ट्री लियाऊंगा, क्योंकि मैं महसूस करदा कि साडे इलाके च बेरोज़गारी बहुत है। पहले रुजगार दे साधन होण, असी कहिंदे नशे खत्म करने वास्ते, नशे तदे ही खत्म होणगे जे नौजवान नूं दी जवानी नूं रोकिया जाएगा। सिटी हलचल के लिए श्री अनंतपुर साहिब से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।